गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। इंट्रोगेट यू को चेंज करना इनडायरेक्ट में, आज हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे। पेज नंबर आप ओपन कर लें, 96, पेज नंबर 96। हमने सिंपल सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा, उसमें हमने प्रोनाउंस को चेंज किया। प्रोनाउंस पर्टिकुलरली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये चेंजेबल होते हैं। थर्ड पर्सन, ही, शी, और थी, दे, हिम, हर, ये अनचेंजेबल होते हैं इनडायरेक्ट में। ये जैसे डायरेक्ट में होते हैं वैसे ही इनडायरेक्ट में इनको लिख दिया जाता है। आज हम जाने इसके बाद टेंसेस, जो टेंस होते हैं वो टेंस को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेड, सेड सेकंड फॉर्म में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टेड इसकी प्रेजेंट में है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर पास्ट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है तो देन नो चेंज। ये सारे रूल्स आपकी बुक में लिखे हैं, मैंने बताई थी आपको टेबल। चलिए आज हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव को चेंज करना। पेज नंबर 96 है। 96 में नंबर वन देखें, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब देखो सेट को हम चेंज करते हैं आस्क में, ASKED। क्यों? आगे क्वेश्चन है, आस्क माने पूछना। आस्क के दो मीनिंग होते हैं, पूछना और कहना। यहाँ मीनिंग पूछने से लिया जाएगा। शी आस्क्ड मी डिड यू यूज माई लैपटॉप। अब माई लैपटॉप क्या है, ये डिड यू यूज माई लैपटॉप, डिड यू सब्जेक्ट है, तो यू को हम चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी सब्जेक्ट है, सेड टू मी, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो यू का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई, या डिड, ये ऑलरेडी सेकेंड पास, ये ऑलरेडी पास टेंस है तो हम हैड यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, डिड को हटा देंगे। तो इफ आई हैड यूज्ड माई का आ जाएगा हर, माई को चेंज करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो माई का हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इफ आई हैड यूज्ड हर लैपटॉप। ये रूल्स मैंने बता दिए हैं, बार बार आपको नहीं बताएंगे, इनको माइंड में प्लीज रखिए। सेकंड है आपका करण, सेड टू वीर, करण ने वीर से कहा वेयर आर यू गोइंग, यहाँ यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू वीर, सेकंड पर्सन हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ वीर है, वीर थर्ड पर्सन है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन में काउंट होता है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा ही, वेयर ही वॉज गोइंग, ये बन गया वेयर ही वॉज गोइंग। तो करण आस्क्ड वीर, करण आस्क्ड वीर वेयर ही वॉज गोइंग। ये मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में आने के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद वो सिंपल सेंटेंस में बदल जाता है। मीन्स इन अदर वर्ड्स, हम उसको शुरू करते हैं सब्जेक्ट से, फिर वर्ब लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ आगे लिखा होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले वर्ब होता है या तो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे वेयर है यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। तो इसको हम सब्जेक्ट पहले लाते हैं इनडायरेक्ट में और वर्ब उसके बाद लाते हैं। सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, सब सिंपल सेंटेंस में बदल जाते हैं इनडायरेक्ट में। आगे देखें आप, थर्ड द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड अस। अब यहाँ पर हैव यू फिनिश योर वर्क, ये क्वेश्चन किस तरह का है, ये क्वेश्चन जैसे पहले वाला आया था उसमें डिड से स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर इफ लगाया था, यहाँ पर भी हम इफ लगाएंगे। क्यों, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है, मीन्स यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जो कनेक्टिव होता है, जो कनेक्टर होता है वो इफ होता है, इफ या वेदर, तो आप इफ चूज कर लें। तो इफ हो जाएगा, यू को हम दे में चेंज करेंगे, यू चेंज होगा अस के अकॉर्डिंग, अस प्लूरल है हम, तो इसकी जगह पर हम THEY दे लाएंगे। इफ दे हैव हेड में कन्वर्ट होगा, इफ दे हैड फिनिश्ड यूअर देयर, THEYR यूअर का देयर, यहाँ THEY दे है, उधर देयर। फिर बस ये आंसर हो गया, द टीचर आस्क्ड अस इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क,
आगे से इंट्रोगेटिव हम हटा देते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं रहता, इंट्रोगेटिव साइन को हम रिमूव कर देंगे। फोर देखें, आई सेड टू दीपक, आई आस्क्ड दीपक, टू हट जाता है, टू को हमें हटाना है, ऊपर भी हटाया हमने, यहाँ भी हटाएंगे। वेयर आर यूर पेरेंट्स, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, यूर पेरेंट्स, यूर पेरेंट्स से आपका आंसर स्टार्ट होगा वेयर के बाद। वेयर वेयर हिज पेरेंट्स, यूर का हो जाएगा, यूर चेंज होगा दीपक के अकॉर्डिंग, तो वेयर हिज पेरेंट्स वर आर हो जाएगा वर, पास्ट टेंस में बदल देंगे। पास्ट टेंस में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेड है, सेड आने पर हम प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। नंबर फाइव देखें, शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम, वेयर हैव यू कैप्ट द फाइल, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव को हम हेड में चेंज करेंगे, यू को हम चेंज करेंगे ही में, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हिम, हिम थर्ड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा ही, वेयर ही हैड कैप्ट द फाइल्स, आगे से इंट्रोगेटिव हम हटा देंगे। नंबर सिक्स देखें, शी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, शी सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, कॉमा लगा हुआ है। व्हेन विल द फ्लाइट अराइव, फ्लाइट कब आएगी, तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हेन द फ्लाइट, विल का हो जाएगा, विल बिकम्स वुड, सेकंड फॉर्म है विल बी, व्हेन व्हेन द फ्लाइट वुड अराइव, ये आपका आंसर हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। नाइन देखें, सेवन देखें, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, डिड यू, यहाँ पे डिड से स्टार्ट है तो ये भी हैड से बनेगा, डिड नहीं आएगा आंसर में इनडायरेक्ट में आपको, तो यू हो जाएगा आई, यू को चेंज करेंगे हम मी से, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो हम भी फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे, यू चेंज होगा आई में। तो इफ आई हैड गोन टू लंडन द प्रीवियस समर, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है। नंबर एट देखिए, ही सेड मे आई गो, सिंपल सा है, ही आस्क्ड इफ ही माइट गो, मेक अ माइट, इफ ही माइट, क्या वो जा सकता है, इफ ही माइट गो, मे आई गो। नाइन देखें, सॉरी, आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर व्हेन डिड यू कम, तो आई आस्क्ड हर व्हेन शी, यहां पर यू चेंज होगा हर से, हर हर का बनेगा शी, सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस है और शी सब्जेक्टिव केस है, कर्ता का रखें तो हमें कर्ता चाहिए, तो हर से हम कर्ता बनाएंगे शी, तो व्हेन शी हैड कम, व्हेन शी हैड कम, और लास्ट टेन, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, आर यू गोइंग फॉर द पार्टी, तो ये क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी आर यू, ये हो जाएगा मी, इफ आई हैड, इफ से आएगा, इफ आई वॉज गोइंग फॉर द पार्टी, ये आपके इंट्रोगेटिव फिनिश हो गए, इनको आप ध्यान से याद कर लें, मैंने सारे आंसर करा दिए हैं आपको।